गाइस, टचतिले एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की रेसिपी मैं आप सबके लिए लेके आया हूँ टिबेटन टिंग मोमो। आप कह सकते हैं इसको ना, इट्स काइंड ऑफ टिंगमो एंड इट्स काइंड ऑफ मोमो। सो द मेकिंग स्टाइल इज वेरी टोटली डिफरेंट एंड इट्स वेरी इजी एंड ऑल्सो इट्स वेरी हेल्दी गाइस। सो आज हम मम्मी और हम दोनों आज आप सबके लिए लेके आया हूँ ये रेसिपी विच इज़ वेरी इजी एंड ऑल्सो इट्स वेरी डिलिशियस गाइस। सो मस्ट बी ट्राई दिस रेसिपी। एंड आज मैं आप सबके लिए इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ, मेरी मम्मी के साथ आज खाना बनाने वाला हूँ एंड आई होप आप सबको भी पसंद आए। तो पहले काम करने से पहले चेयर्स करते हैं। ये लेमन वाटर है। तो पहले मैं आप सबको क्या बोलते हैं इंग्रेडिएंट दिखाते हैं। तो एक साइड में मैं आटा गूंदने वाला हूँ और एक साइड में हमें जो इनसाइड फिलिंग होता है ना वो प्रिपेयर करेगा। ओके, तो पहले हमने यहाँ लिया इंसेंट ड्राई यीस्ट, यहाँ पर 1 टीस्पून है, और 1/2 टीस्पून हमने शुगर लिया। तो यहाँ पानी लिया। आजकल मौसम गर्मी है सो हमें नॉर्मली वैसे आप ठंडा एरिया में तो लुक वार्म वाटर ले सकते हैं, पर आजकल यहाँ तो मौसम गर्मी है सो हम नॉर्मल पानी यूज़ कर रहे हैं। तो इसको मिक्स करके रखो साइड में। तो हमने यहाँ डाला 3 कप आटा और 1 कप मैदा। मैदा इसलिए मिक्स किया क्योंकि जैसे ना आटा में हम ज़्यादा खींच नहीं सकते, कैसे बोलूँ आपको ना, जैसे आटा में हम ज़्यादा टिंगो बनाएगा ना जो इसको ऐसे फूल जाता है ना, ज़्यादा नहीं पप नहीं कर पाता है, इसलिए मैं आटा यूज़ मैदा मिक्स किया है। तो अभी हम जो यीस्ट का पानी था ना वो डाल के अभी हमने आटा गूंदना है। तो ये सिंपल है, जैसे आप नॉर्मल टिंगो कैसे बनाते हैं ना वैसे ही है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना तेल डाल रही हूँ। ओके, तो साइड में मैं यहाँ पर ना जो अंदर में डाल रहे फिलअप है ना वो मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ। यहाँ पर सिंपल हम मीट को कट करेगा। अंडे कोको सोयर है कि कंडे सोयर है? कंडे चिजन फोन कोको रो सोए सोता ताऊ सोए बामा अंजुन अंडे राउट अंडे जे अंडे सिंगे निशाशन चीज मैंने तेरा मैं देखा फूल खा फूल निशा। तो अभी हमने आटा गूंद लिया और इसको रख दिया हम आधा घंटा। तो ये है सुशाम पेपर और ये जीरा है क्यूमिन सी। तो ये मैंने टॉस किया है और इसको हम पाउडर बनाएगा, ये मम्मी करेगा। हमने मीट भी काट दिया। ओके, तो इसमें सीजनिंग हम डाल रहे हैं सुशाम पेपर और जीरा का पाउडर, थोड़ा सा नमक, 1 टेबल स्पून सोया सॉस, 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल। तो ये सब डालने के बाद हमने अच्छा से मिक्स करना है इसको ना। तो ये एक तरफ से ना ये मोमो का फीलिंग भी हो जाता है, लेकिन मोमो में हम कभी भी टमेटो नहीं डालते हैं, आप सबको पता ही होगा ना। तो ये एक साइड से सब्जी भी बन जाता है। ये मिक्स कर दिया, अब इसको भी रख देते हैं हम 10 मिनट तक। ओके गाइस, तो अभी हमारा आधा घंटा हो गया है और अब हम देखो अभी इसको हमने दोबारा गूंदना है। वैसे इसको ना ज़्यादा फुलाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आटा डाला ना इसलिए ज़्यादा पफ नहीं होता है। मैंने आपको पहले ही बोला था ना क्योंकि आटा डाले तो ज़्यादा पफ नहीं होता है। तो हमने ज़्यादा गूंदने ज़रूरत नहीं है इसको ना, और हमने शेप लाना है इसको ना। मारे मांगू थी मारेगा ऐसा।
Sum yore yanda. Sum yore? Pagi dika tongwa male. Ale, suisajin. Kya bura abi. Camera, did this light on the course show. Okay guys, तो अभी हमने बना लिया ये बनाने की डिज़ाइन बहुत सिंपल है. सेकेंड हमें चाहिए ऐसे पॉट जो बॉटम थोड़ा थिक हो ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है इसमें पकाने के लिए ना. और पहले ये पतीला को हम हीट करेगा इसको ना. मैं अभी इसको हीट करने जा रही हूँ. पतीला भी गर्म हो गया है. अभी इसको क्या करना है हमने, सिंपली मैंने कुछ भी नहीं किया, जस्ट गर्म किया है इसको ना, 10 मिनट तक गर्म किया इसको. तो 10 मिनट के बाद हमारा ये भी अच्छे से गर्म हो गया. अब नेक्स्ट हमें पानी चाहिए इसके लिए ना. और हमारा ब्रेड को क्या करना है, सिंपली आप इसको ना ऐसे ही डीप करो और उठाओ और इसको ऐसे करके चिपकाना है हमने ना. ऐसे करके हमने साइड में चिपकाना है. अगेन हमने रिपीट करना है सेम. और ये दोनों में थोड़ा गैप रखना चाहिए, ये दोनों ना थोड़ा पॉप हो जाता ना इसलिए. ओके गाइस, अब इसमें हम 2 कप पानी डालेंगे इसमें. और अब इसको ना हम कवर करो और इसको हम 25 मिनट्स कुक करेगा इसको ना मीडियम फ्लेम में. ओके गाइस, तो अभी हमारा जो मीट थोड़ा से बचा है मैं उसको सिंपल सूप बनाते हूँ. इसमें जस्ट बॉईल करने हमने. आप चाहिए तो इसको फ्राई भी कर सकते हैं. तो ये साथ साथ में खाने के लिए रेडी हो जाएगा. और कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है. अब लास्ट में चाहिए तो आपको ना नमक और सोया सॉस थोड़ा डाल सकते हैं इसके लिए, टेस्ट के लिए ना. ओके गाइस, तो अभी हमारा 20 मिनट्स हो गया है, यू कैन सी. और पानी, तो पानी सब सूख गया है और ये अच्छा से ये भी हो गया है. बट आई वांट लिटिल क्रंची और बॉटम. सो मैं और 5 मिनट उसको ना मीडियम लो फ्लेम में रखना है. और 5 मिनट्स कंटिन्यूसली, 5 to 10 मिनट्स भी लग सकता है, डिपेंड ऑन योर फ्लेम. ओके गाइस, तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ. ये ना नीचे से चिपक गया है, लेकिन क्या बोलते हैं, ऊपर ऊपर से इजीली निकल जाते हैं. सो आई विल रिकमेंड यू टू यूज़ थोड़ा थिक वाला पॉट. और सेकेंड, इसका हाइट थोड़ा लंबा हो, जो हम पानी डालेगा ना नीचे ऐसे ना चिपके, तो ऐसे थोड़ा नीचे चिपक जाता है. ओके, सो ओवरऑल मेरा रिजल्ट अच्छा आया है इससे, बाय द वे. देखो ओके गाइस, तो अभी हमारा ये खाने के लिए रेडी हो गया है. और साथ में हमने सिंपल सूप बॉईल किया था ना, वो है. सिर्फ इसमें मैंने नमक आगे ला डाला है, तो इसके टेस्ट देखते हैं. और इसका बन गया देखो, ये अंदर से बहुत जूसी है गाइस. ये देखने में इतना खास नहीं है, बट खा के देखना आप, ज़रूर पसंद आएगा आपको ना. तो इसको ऐसे करके सीधा आप, इसके साथ सॉस कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि उसमें पहले से डाला है. इवन आपको स्टिल थोड़ा सा सॉस चाहिए तो आप सिंपल चिली पेस्ट बना के इसके साथ इंजॉय कर सकते हैं. Cheers.
ये ना नीचे से थोड़ा क्रंची है और ऊपर से बहुत सॉफ्ट है और इसके खाने के टेस्ट से ना बहुत अलग से, आप ज़रूर ट्राई करना गाइस। सो ये था आज का रेसिपी गाइस। सो अगर आपको मम्मी हम दोनों का रेसिपी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना और शेयर करना ना भूले गाइस। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड विल सी योर नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय। मेरे मम्मी तो थक के वहाँ बैठा है, अभी वीडियो में भी नहीं आना है बोल रहे। मैं भी थक के हूँ, सच्ची में थक के हूँ।